आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अ सी आइडेंटिफायर इज़ अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने का एक सी लैंग्वेज में तरीका है। अ सी आइडेंटिफायर इज़ अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ जो के हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होते हैं? ये वेरिएबल, फंक्शन और किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आईडी कार्ड होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी आइडेंटिफायर होते हैं हर एक वेरिएबल के लिए, फंक्शन के लिए और किसी भी यूज़र डिफाइंड टाइप्स के लिए। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, एक है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो हैं जिस बंदे ने लैंग्वेज लिखी है, डेनिस रिची, उसने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं उसके अंदर बिल्ट इन। जैसे प्रिंट एफ का एक मीनिंग है सी लैंग्वेज में, स्कैन एफ का एक अपना मीनिंग है, इसी तरह इंट, फ्लोट जो होती हैं डेटा टाइप्स, और इसके अलावा इफ़, एल्स, ये सारे क्या हैं? आइडेंटिफायर्स हैं। इनको हम खुद से नहीं, कहीं वेरिएबल नेम भी नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब इनको हम क्या कहेंगे? जब सी लैंग्वेज जिसने लिखी है उसने जो ये चीज़ें लिखी हैं, इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। तो ये स्पेशल मीनिंग इनके होते हैं। प्रिंट एफ को मतलब सी लैंग्वेज को पता है कि जब प्रिंट एफ लिखा होगा तो मैंने क्या करना है। तो अगर आप उसको अपने लिए बनाना चाहेंगे तो वो उसको उसी में ले जाएगा, अपने स्टैंडर्ड वाले मीनिंग में। तो आपका जो काम आप करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपने अलग से मीनिंग देने होंगे इन सारे नामों से हट के, अगर आपने वेरिएबल फंक्शन बनाने हों। तो आ गया यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। नाम से ही जाहिर है भाई, यूज़र का मतलब, मैं यहाँ पे बताता चलूँ, यूज़र का मतलब ये नहीं है कि जो बंदा या बंदी बैठ के यूज़ कर रहा है आपके लिखे हुए प्रोग्राम को या आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे टिकटॉक के हम यूज़र हैं, इसी तरह पबजी के हम यूज़र हैं, हम गेम खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूज़र लिखा हुआ है, इसका मतलब है जिसने पबजी को बनाया, जिसने टिकटॉक को बनाया है, वो यानी वो प्रोग्रामर जिसने बैठ के कोड लिखा है, उस कोडर को, उस प्रोग्रामर को यूज़र कह रहे हैं। ये यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि जो यूज़र यानी प्रोग्रामर खुद से लिखता है, तो वो जो आइडेंटिफायर होंगे वो यूज़र डिफाइन में आएंगे। जैसे यूज़र कोई वेरिएबल बनाता है, जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था मार्क्स नाम का वेरिएबल, और वो वेरिएबल अब सी लैंग्वेज में नहीं है, तो वो क्या है? यूज़र डिफाइन है। अगर आप उसको बनाएंगे, वो फंक्शन भी हो सकते हैं, एनी अदर आइटम हो सकता है। तो ये तो थी हमारे आइडेंटिफायर। अब आते हैं कीवर्ड्स की तरफ। कीवर्ड्स भी वही चीज़ है जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, उनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट शो रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी, इनको दूसरा नाम क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व का मतलब क्या है कि इनका नाम दे दिए गए हैं, रिजर्व हो चुके हैं, ये बुक हो चुके हैं, बुकिंग कहते हैं ना, ये बुक हो चुके हैं, ये फलां बंदे ने ले लिया, तो ये इनके मीनिंग डिफाइन हो चुके हैं। दीज रिजर्व वर्ड्स मे नॉट बी यूज्ड एज अ कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम। इनको हम और किसी चीज़ में नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना अपने वेरिएबल नाम देते हुए हम ये रख सकते हैं, ना हम फंक्शन नेम देते हुए रख सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो ये जितने भी इफ एल्स वगैरह लिखे हैं ये सारे आइडेंटिफायर। आगे आए वेरिएबल्स। वेरिएबल सबसे बेसिक एंटिटी है जो कि आपको समझ नहीं है। वेरिएबल क्या होता है? देखें, वेरिएबल अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखें इसका मीनिंग, तो वो है तब्दील होने वाली चीज़। वेरिएबल जो चीज़ तब्दील होती है, तो ऐसी चीज़ जैसे अब देखें एक डब्बा है, डब्बे के अंदर हम कुछ डाल देते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने घर में किसी चीज़ की, कोई भी डिब्बा है, जैसे किचन में जा कर देखते हैं कि हमारे डिब्बे पड़े हैं, उसके अंदर किसी में के अंदर चीनी पड़ी है, किसी के अंदर पत्ती पड़ी हुई है, किसी के अंदर नमक मसाले पड़े हैं, तो ये सारे डिब्बे हैं। हर डिब्बे के अंदर एक ख़ास चीज़ ने जाना है। अब चीनी का डिब्बा है, चीनी उसके अंदर क्या है? डेटा है। और डिब्बा जो है वो क्या है? वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल देखें, इस डिब्बे का एक साइज़ होगा, कुछ छोटे डिब्बे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो साइज़ होगा। इसके अलावा इसके अंदर एक ख़ास किस्म का चीज़ पड़ी होगी, या चीनी या पत्ती या
नमक मसाले, तो वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा। अब मैं जो कह रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ होगी, जब प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं तो वेरिएबल के अंदर डेटा जाता है। वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि इसके अंदर डेटा को रख सकें, किस लिए, ताकि हम कुछ कंप्यूटेशन करें, कुछ हमने रिजल्ट्स शो कराने हैं यूज़र को, तो हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं, टू यूज़ टू स्टोर डेटा इन प्रोग्रामिंग। अब किस लिए, फॉर कंप्यूटेशन पर्पसेस, यानी उसमें हम कुछ कंप्यूट करते हैं, निकालते हैं, जैसे रिजल्ट निकालना है या हमने मार्क्स को प्लस करना है और उसको दिखाना है, तो ये वेरिएबल्स के थ्रू हम करते हैं। अच्छा, वेरिएबल इज स्टोरेज एरिया विद इन आवर मेमोरी। अब इसका सारा ही बात सिर्फ वेरिएबल, जैसे वेरिएबल जो होता है वो जैसे एक डिब्बा है, पत्ती का एक डिब्बा है, वो आप उसने एक जगह घेरनी है, ठीक है। आप अगर उसको अलमारी में रखते हैं, उसने अपनी स्पेस लेनी है थोड़ी सी, तो प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो हमारी मेमोरी के ऊपर इसी तरह जगह लेगा जिस तरह से एक पत्ती या चीनी का या नमक मसाले का डिब्बा किचन में रखते हुए वो अपनी स्पेस लेता है। छोटा डिब्बा छोटी स्पेस लेगा, बड़ा डिब्बे को ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो मेमोरी में, प्रोग्रामिंग में जब हम वेरिएबल लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी कहते हैं रैम को, रैम के अंदर वो एक मखसूस उसका एरिया मुकर्रर हो जाता है कि इस जगह ये चीज़, ये जगह जो है ये अब फलां वेरिएबल की हो चुकी है। अब वेरिएबल हैज़ नेम टाइप, उसके आप देखें दो चीज़ें हैं। वेरिएबल को हम कोई ना कोई नाम देंगे, जहरी सी बात है, नाम तो देना पड़ता है, और साथ में उसकी टाइप्स, यानी आप जैसे डिब्बे पड़े हैं किचन में, वहाँ पे आप एक डिब्बा है उसकी कोई ना कोई टाइप होगी, यानी एक डिब्बा है चीनी टाइप का, टाइप उसकी चीनी है, मींस उसमें सिर्फ शुगर जाएगी, चीनी जाएगी। एक डिब्बा है जिसमें सिर्फ आपने पत्ती रखनी है, आपने सिर्फ नमक मसाले रखने हैं। अब नमक वाले डिब्बे में आप मिर्चें नहीं डाल सकते, ठीक है, समझ आई। एक नमक वाला डिब्बा है उसके अंदर सिर्फ नमक ही डालेंगे, उसके अंदर और हम कोई चीज़ नहीं डाल सकते, उसकी टाइप जो है वो नमक है, तो उसमें नमक ही जाना चाहिए। इसी तरह जो हमारा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में जब हम कोई टाइप लिख देते हैं, वेरिएबल की एक टाइप होती है, एक उसका नाम होता है, ठीक है। अब जो टाइप होगी उसी टाइप का डेटा उसके अंदर जा सकेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक एंड टाइप का वेरिएबल बनाएं, उसके अंदर आप फ्लोट वाली, पॉइंट वाली वैल्यू डालना शुरू कर दें, वो तो एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा। इसीलिए आपने जो भी टाइप रखी होगी आपने उसके अंदर वही डेटा डालना है। अगर आप चीनी के डब्बे के अंदर चाय को, यानी पत्ती को उंडेल देंगे, तो आपकी सारी चीनी ज़ाया हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, आपकी चाय अच्छी नहीं बना करेगी, क्योंकि वो सब मिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में हम जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप का डेटा उसके अंदर डालते हैं। अगर हम नहीं डाल पाएंगे तो हमें कंपाइलर जो है वो खुद ही बता देगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप गलत टाइप की चीज़ गलत वेरिएबल में डाल रहे हैं। तो अ वेरिएबल डेफिनेशन टेल्स द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज टू क्रिएट फॉर वेरिएबल। अब जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि उसकी कोई ना कोई वो स्टोरेज लेगा, वो कोई ना कोई स्टोरेज लेगा, उसको हम कोई ना कोई नाम देंगे। अब मैंने बोला ना स्टोरेज लेगा, वो अपनी जगह लेगा, जैसे एक डिब्बा कहीं पड़ा हो तो वो जगह लेता है, तो वो कोई ना कोई जगह लेगा हमारी मेमोरी के ऊपर। कितनी जगह लेगा ये हमारी डेटा टाइप डिफाइन करेगी। जब हम लिखते हैं ना इंट कोई आगे वेरिएबल नाम देंगे, तो इसमें हम बेसिकली कंपाइलर को बता रहे हैं कि इसको कितनी जगह देनी है। वो डेटा टाइप के थ्रू समझ जाता है कि मुझे इस वेरिएबल को कितनी स्पेस देनी है, 4 MB की, 4 GB की, 4 byte की, वैसे GB और MB नहीं होते हैं, सिर्फ bytes होते हैं, तो छोटी मेमोरी लेते हैं एक वेरिएबल, तो वो टाइप के थ्रू हमारा कंपाइलर जज करेगा, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल। याद रहे कि आइडेंटिफायर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वेरिएबल एक डिफरेंट चीज़ है। आइडेंटिफायर और वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, वैसे ये मुझे नहीं लगता
कि आपकी बुक में हो ये चीज़, लेकिन दोनों चीज़ें हैं, मौजूद हैं, तो इनका डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए. इट इज़ अ यूनिक नेम विच इज़ गिवन टू एन एंटिटी टू डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई इट मीनवाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द सोर्स कोड. आइडेंटिफायर क्या चीज़ होती है? यूनिक नेम जो कि हम किसी भी एंटिटी को देते हैं जो कि इसको एग्जीक्यूशन के दौरान सोर्स कोड में आइडेंटिफाई करता है, यानी शनाख्त करता है उसकी. वेरिएबल ऑन द अदर हैंड क्या चीज़ है? वेरिएबल इज़ अ नेम दैट इज़ असाइंड टू अ मेमोरी लोकेशन. याद रहे यहाँ पे मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिया जाता है विच इज़ यूज्ड टू कंटेन अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन इट. वेरिएबल्स आर ओनली द सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफायर. ये है आइडेंटिफायर की तरह, लेकिन इसमें मेमोरी को जगह नाम दिए जा रहे हैं और आइडेंटिफायर में सिर्फ शनाख्त है. शनाख्त एक अलग चीज़ है और एक मेमोरी लोकेशन को हम जब बाउंड करते हैं तो वो वेरिएबल होता है. ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं उसमें मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जाता है. अब डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं. डेटा टाइप्स क्योंकि बात हो रही है वेरिएबल की, तो वेरिएबल की कोई ना कोई स्टोरेज होती है. अब कितनी स्टोरेज लेगा उसके हिसाब से डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं. तो डेटा टाइप्स होती कितनी है? होल नंबर के लिए जो कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, होल नंबर्स जो होते हैं जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं. तो उनमें क्या होता है, उनमें जो डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं सी लैंग्वेज में वो हैं इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग. तो याद रहे आप, हम बेसिकली सिर्फ मोटे मोटे सिर्फ इंट को देखते हैं, शॉर्ट को देखते हैं, लॉन्ग को देखते हैं. हम अनसाइंड और साइंड के कंसेप्ट को नहीं देखते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम सिर्फ इंट यूज़ कर लेते हैं. शॉर्ट बहुत जगह पर ज़रूरत पड़ भी जाती है, जैसे अब आईडी कार्ड का नंबर है वो माइनस में नहीं हो सकता, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो माइनस में नहीं हो सकती है. वो क्यों नहीं हो सकती? देखें, अब कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका माइनस में जाना बनता ही नहीं है. तो हम जब डेट ऑफ बर्थ का वेरिएबल बनाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसको बजाय के सिर्फ इंट कह दें, ठीक है, या फिर हम सिर्फ शॉर्ट कह दें, तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, वैसे तो जो अब मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसमें एक डेट नाम की क्लास बनाकर हमने दे दी गई है, हम डेट नाम का वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सब कुछ खुद से हैंडल कर लेता है. लेकिन हमारा जो सी लैंग्वेज है उसमें हमें थोड़ा सा बेसिक से जा रहे हैं ना, तो ये हमें प्रोग्रामिंग का सही इन टच देगा. तो हम अनसाइंड यूज़ कर लेंगे इंट, ताकि नेगेटिव वैल्यूज ना आ सकें. तो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है वहाँ पे हम अनसाइंड यूज़ कर सकते हैं. बहरहाल हम इंट यूज़ करेंगे, शॉर्ट यूज़ करेंगे और लॉन्ग बगैर अनसाइंड के. इंट में देखें कितनी बाइट्स आएंगी, 2 bytes. यानी कि जब हम इंट नाम का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसकी जो स्पेस मेमोरी में लेगा वो कितनी लेगा? वो 2 bytes की स्पेस लेगा. इस तरह शॉर्ट जो है वो भी 2 bytes की स्पेस लेगा, लॉन्ग जो है वो 4 bytes, यानी वो ज़्यादा एरिया लेगा. अगर आपका नंबर, जो बड़ा नंबर आपने स्टोर करवाना हो अपने वेरिएबल के अंदर, तो आप कोशिश कीजिएगा लॉन्ग डेटा टाइप रखिएगा. तो हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है हमने क्या इसमें स्टोर करवाना है जब हम वेरिएबल बना रहे होते हैं. जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको तब आसान लगेगी. तो अभी के लिए आप जस्ट कंसेप्ट को सुन लें. अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें पॉइंट्स आ जाते हैं, 2 point something इस तरह, तो उसके लिए अलग से डेटा टाइप होती है, वो है फ्लोट डबल लॉन्ग डबल. ये टाइप्स होती हैं. अब इनकी मेमोरी लोकेशंस भी डिफरेंट है. जैसे कि फ्लोट है उसमें 4 bytes तक मेमोरी कंज्यूम हो जाती है एक वेरिएबल के लिए. डबल में हमारी 8 bytes और लॉन्ग डबल में 10 bytes लगती हैं. और इनकी देखें आगे प्रेसीजन एंड डिजिट्स भी दिए गए हैं और रेंज ऑफ वैल्यूज भी हैं. तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसको अभी नहीं देखते हैं. डेटा टाइप फॉर करेक्टर्स. अब एक और चीज़ होती है करेक्टर. करेक्टर क्या चीज़ है? कोई भी एक अल्फ़ाबेट, सिर्फ एक, उसको हम करेक्टर बोलते हैं. और उसको अगर हमने सेव करवाना हो किसी वेरिएबल में तो उसके लिए करेक्टर डेटा टाइप char डेटा टाइप यूज़ होगी. तो इसको आपने
ये सिर्फ 1 byte होल्ड करती है मेमोरी के अंदर, यानी ये सिर्फ 1 byte की स्पेस देती है अपनी मेमोरी के अंदर। अब एक और कंसेप्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अब अंडरफ्लो और ओवरफ्लो में क्या होता है, व्हेन टू वेरी स्मॉल नंबर्स आर मैनिपुलेटेड द रिजल्ट्स मे बी टू स्मॉल टू रिप्रेजेंटेड सो इट रिटर्न्स जीरो, इट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक अंडरफ्लो। जब आप दो नंबर्स दो वेरिएबल बनाते हैं, बहुत छोटी छोटी उनमें वैल्यूज पड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल, ज़ीरो के बिल्कुल करीब तरीन, जब उनको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, वो क्या करेगा, हमारा जो कंपाइलर होगा वो राउंड ऑफ करके कर देगा उसको ज़ीरो, हालांकि वो ज़ीरो नहीं होगा, वो ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा या थोड़ा सा छोटा होगा, वो इतना थोड़ा सा होगा कि कंपाइलर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और वो ज़ीरो रिटर्न कर देगा हमें। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक अंडरफ्लो। दूसरी चीज़ है अरिथमेटिक ओवरफ्लो, इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ टू वेरी लार्ज नंबर सो डैट द रिजल्ट कांट बी रिप्रेजेंटेड इट्स कॉल्ड अरिथमेटिक ओवरफ्लो। इसमें क्या होता है कि जब बहुत बड़े दो वेरिएबल जिसमें बहुत बड़ी वैल्यूज पड़ी हैं, उनको जब हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो क्या होता है, रिजल्ट जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता है, वो यानी कि इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि हमारी स्टोरेज में भी नहीं आता है, हमारी स्टोरेज से ज़्यादा हो जाता है नंबर, यानी जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था 4 byte का, उसमें 4 byte से बहुत बड़ी से नंबर चले जाते हैं, मेमोरी हो जाती है। तो जब मेमोरी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब नाम से ही जाहिर है कि वो बढ़ जाता है, बहुत हद से, अपनी औकात से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं बहुत ही अहम डेटा टाइप है, ये है वॉइड। इस चीज़ का अक्सर बच्चों को नहीं पता लगता ये क्या चीज़ है। वॉइड अक्सर आप देखते होंगे फंक्शंस के साथ लिखा होता है वॉइड। अब ये वॉइड क्या चीज़ है, ये इसका मतलब होता है नथिंग, इस डेटा टाइप है ये भी, और इसका मतलब होता है नथिंग। स्पेसिफाइज वर्ड इंडिकेट डैट नो वैल्यू इज़ अवेलेबल, कुछ भी नहीं है, यानी मेमोरी खाली है, इसने रिटर्न, इसको अमूमी तौर पर फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं जिसमें हम रिटर्न वैल्यू, जिसने रिटर्न कुछ नहीं करना हो फंक्शन, उसमें हम वर्ड लिखते हैं। ये आपको वक्त के साथ साथ आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो अब आते हैं हम कोडिंग की तरफ, थोड़ी सी आप कोडिंग होगी यहाँ पे, आपने घबराना नहीं है, इमरान खान की जो डायलॉग है उसको याद रखना है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन अब आ गई है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेकंड ईयर में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करा के बताऊँगा। ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं एक ही मंजिल की तरफ, ठीक है, दोनों में हमने पहुंचना एक जगह पे है लेकिन रास्ते अलग हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम सिर्फ डेटा टाइप देते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और सेमी कॉलन, ठीक है। ये चीज़ अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या, आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। फिर हम उसके बाद देखें, मैंने एग्जांपल दी है इंट मार्क्स, और उसके बाद नीचे वाली लाइन में मैंने मार्क्स इक्वल टू 10 लिख दिया है। तो जब हमने ऊपर लिखा इंट मार्क्स सेमी कॉलन, यहाँ पे हमने कंपाइलर को बताया कि भाई मार्क्स नाम का वेरिएबल है और इसकी डेटा टाइप है इंट, और इस मार्क्स को हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे तो तुमने पंगा नहीं लेना हमसे, यानी तुमने सिंटैक्स एरर नहीं दे देना, ये नहीं कहना कि मैं तो मार्क्स को जानता ही नहीं हूँ, हमने तो इसको बता दिया आपको कि भाई हमें मार्क्स नाम का वेरिएबल मेमोरी के अंदर स्टोरेज इसके लिए रिजर्व कर लें और मैंने इसको बाद में आगे जाके इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह अब हम इस तरह लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये डिक्लेयर होगा, अगर हम डेटा टाइप को नाम दें और साथ में बाद में इसमें कोई वैल्यू डालें 10। अब ये देखें सिंगल इक्वल का मतलब होता है, ये मैथ वाला इक्वल नहीं, इस सिंगल इक्वल का मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करना, देना। 10 जो है ये 10 जा रहा है मार्क्स के अंदर, यानी मार्क्स एक मेमोरी लोकेशन है, डिब्बा है एक, उसके अंदर 10 जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन।
और इन द अदर वर्ड्स आगे देखें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में ये होता है कि हम एट द सेम टाइम डिक्लेरेशन के दौरान ही हम इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं इनिशियलाइजेशन। एक ही लाइन के अंदर हम 10 को मार्क्स के अंदर भी डाल रहे हैं और साथ में कंपाइलर को बता भी रहे हैं इसको डिक्लेयर कर दो एंड के साथ। अगर आप एंड नहीं लिखेंगे, सिर्फ मार्क्स इक्वल टू 10 लिखेंगे तो ये कंपाइल एरर आएगा। तो चलें अब एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो ये मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, मैं इसको जस्ट इसको टर्मिनेट करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ एंड, मैं ये ए मार्क्स ही लिखता हूँ सेमी कॉलन। अब मैंने यहाँ तक क्या किया, कंपाइलर को बता दिया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, इसकी स्टोरेज एरिया आप 4 बाइट्स का रिजर्व कर लें, मैं इसको आगे इस्तेमाल करने लगा हूँ। अब मैं इसके अंदर डालता हूँ 10, ठीक है, और इसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं मार्क्स और सेमी कॉलन। लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आपने F11 को प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं इसने मार्क्स के अंदर से 10 निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि मैंने ये परसेंटेज डी क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है, प्रिंट एफ क्या चीज़ है। अब अभी के लिए ये समझ लें कि प्रिंट एफ का मतलब है प्रिंट एफ स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे। तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है, ये क्यों इस तरह से परसेंटेज डी क्यों लिखा है, इसके बारे में डिटेल हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है। अभी आपने फोकस यहीं पे रखना है। तो मैंने देखें पहले मार्क्स बोला, फिर मार्क्स इक्वल टू 10 किया तो इसने प्रिंट आउट कर दिया। अब फर्ज कर लें आप, मैं इसको कंपाइलर को डिक्लेयर करके नहीं बताता हूँ कि मैंने ये मार्क्स क्या चीज़ है, मैं इसको डायरेक्ट रन करने की कोशिश करता हूँ। अब रन करने के दो तरीके हैं, आप एग्जीक्यूट में जाके यहाँ पे क्लिक करें या फिर F11 डायरेक्ट लैपटॉप से प्रेस कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ पाएँ तो आपको एरर मिलेगा, मार्क्स वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इस एरर को आप देखें, ये कह रहा है कि कंपाइलर कह रहा है भाई मैं मार्क्स को नहीं जानता हूँ, ये क्या चीज़ है, इसको आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। तो जब आप डिक्लेयर करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं देखें इसको डिक्लेयर करके अगर रन करूँगा तो फिर ये एरर नहीं देगा और इसने आउटपुट दे दिया 10। तो अब आते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे। मैं बजाय के इसको अगली लाइन पे साइन करूँ, इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ 10। अब देखते हैं ये क्या होगा, अब भी सेम वही आउटपुट आनी चाहिए। तो इसने देखें सेम आउटपुट दे दिया, मैं दोबारा रन करता हूँ, वो पहले से ओपन था। तो देखें ये फिर वही 10 ही प्रिंट हुआ है, लेकिन इस दफ़ा स्ट्रेटजी, इस दफ़ा तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने इसको पहले डेटा टाइप दी, फिर वेरिएबल नेम लिखा, इक्वल टू 10 लिख दिया। तो अब इसका मतलब क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन थी। अगर मैं इसमें से यहाँ पे कंपाइलर को डेटा टाइप ना बताऊँ, लेट्स सी फिर क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से F11 से, तो आप फिर देखेंगे मार्क्स नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। देखें जब हम इसको बताएंगे नहीं कि भाई इसकी डेटा टाइप कितनी है, इसको हमने कितनी स्पेस देनी है मेमोरी में, तो तब तक आपका जो कंपाइलर होगा वो नहीं समझ सकेगा। अब इंट मार्क्स है, मार्क्स एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, इसमें हम 10 जो है वो भी इंटीजर है, एक होल नंबर है, एक नेचुरल नंबर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखें, ये अब चीनी है, फर्ज कर लें ये 10 जो है वो मार्क्स जो है वो चीनी का डिब्बा है, इसमें मैं चीनी 10 डालिए, यानी इसमें पॉइंट वगैरह नहीं। अब मैं 1.0 डालना चाहूँ तो क्या होगा, 1.00 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, सिर्फ 1 प्रिंट किया और 0 को हटा दिया। अब फर्ज कर लें मैं इसमें 2 भी लगाता हूँ, फिर क्या होता है, तो इसने फिर 1 नहीं दिया, इसने 0.020 को क्या किया, इसने 0.20 को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म किया, क्योंकि ये डिब्बा चीनी का था, इसमें हम पत्ती डाल रहे थे, तो इसने क्या किया, चीनी पत्ती को इसने कन्वर्ट किया चीनी के अंदर और फिर इसने डिब्बे में डाल दी और उसको प्रिंट कर दिया। तो ये एक बहुत अनऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं।
तो अब ये 0.20 इसने क्या किया, ज़ाया कर दिया। अगर हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों जो कि फाइनेंशियल फाइनेंस का प्रोजेक्ट हो, जिसमें बैंकिंग का हो, बैंकिंग में एक जिसको कहते हैं एक रुपये, एक पैसा भी जो होता है वो बड़ा कीमती होता है। एक हैकर था, उसने क्या किया था, उसने बहुत सारे बैंक अकाउंट से हर रोज़ कुछ पैसा निकालता था, डॉलर्स के अंदर जो लोवेस्ट प्राइस होती है ना, बिल्कुल लोवेस्ट, तो उसने वो चीज़ें, वो एक पैसा निकालता रहा हर रोज़, हर अकाउंट से एक एक पैसा निकालता रहा निकालता रहा। अब बैंक वालों को भी नहीं पता, जिसका अकाउंट है उसको भी नहीं पता कि ये 0.1 क्यों काट रहा है। उसने कहा यार 0.1 से क्या फ़र्क पड़ता है, समंदर से एक गिलास पानी निकल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लोग ये समझ के छोड़ देते थे, लेकिन वो 0.1 काटते काटते अगर 100 बंदों से काटेगा तो 1 रुपया बनेगा, अगर 1000 बंदों से काटेगा तो ये कितना बन जाएगा। तो वो हैकर ने क्या किया, वो 0.1 नंबर पैसा काटते काटते उसने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली। एक बंदे को इस तरह से बहुत फिक्रमंदी हुई, वो कुछ शेख का बच्चा होगा जिसने इतना फिक्र हुई कि यार मेरे ये रोज़ की बेस पे एक एक पैसा क्यों काट रहा है। वो बैंक चला गया, मैनेजर से मिला, मैनेजर को बोला भाई ये मेरे पैसा निकला है, एक एक इतना पैसा हो गया है, ये क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, आप किस चीज़ की कटौती कर रहे हैं, ये किस चीज़ का ये। तो बैंक मैनेजर बड़ा हैरान हुआ और उसकी बात पे बड़ी स्माइल भी थी और हंसना शुरू हो गया कि यार आप इतने एक पैसे के लिए रोना शुरू हो गए हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो कट जाते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ऐसे उन्होंने फिर तहकीक शुरू की, क्योंकि उस बंदे ने इतना इंसिस्ट किया कि उन्होंने मजबूरन उसके बारे में तहकीकात शुरू की। तो तहकीकात से पता लगा कि ये तो उनके बैंक के अंदर हज़ारों लाखों लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा था, उनका पैसा इस तरह से निकल रहा था। और जब कलेक्टिव अमाउंट देखी गई तो वो इतनी बड़ी अमाउंट होगी कि आपकी सोच से भी बाहर है। तो उस बंदे के खिलाफ एक्शन लिया गया और उसको पकड़ लिया गया था। ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं हुआ था, ये बाहर का वाकया है, इसलिए वो बंदा पकड़ा गया था। यहाँ पे अगर ऐसे कुछ करे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। लाखों रुपया उड़ा के ले के बाहर चले जाते हैं और इकतदार भी संभाल लेते हैं। तो ये तो यहाँ पाकिस्तान में रूल रेगुलेशन अलग हैं, लेकिन बाहर इस तरह हुआ था, US की बात है। तो ये 0.20 को आप इतना छोटा ना लीजिएगा, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, बैंकिंग के आप सॉफ्टवेयर बने होते हैं, वहाँ पे एक पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो हमें एक एक फीने का भी हिसाब रखना होता है, उसके लिए हम इस 0.20 को लॉस करना नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे डेटा टाइप भी उसी तरह से रखनी है जिस टाइप का डेटा जा रहा है। अब इसको अगर मैं रन करूँ, देखें अब मैंने फ्लोट रखा है, अगर हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे FB और यहाँ पे फ्लोट करते हैं और अब इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने अब एग्जैक्ट अमाउंट 1.20 लगा दी। अब आगे जो ज़ीरो आ रहे हैं ये स्पेस, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी है, ये ज़ीरो आगे पॉइंट के बाद लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 का होना ज़रूरी है, 2.0 आना चाहिए। तो वो आ गया, यानी कि हमारा ये लॉस नहीं हुआ डेटा। तो इसलिए आपने डेटा टाइप्स को मेमोरी के हिसाब से ज़रूर देखना है, नहीं तो आप कोई अच्छे से प्रोग्राम बनाते बनाते किसी बंदे का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज इसीलिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है कि इसमें आपको मेमोरी से डील करने का तरीका आ जाता है। फिर आप बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस जब सीखते हैं, पाइथन, C#, जावा, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी आप उनके कंसेप्ट को ग्रैब करने में। तो चलें अब इस वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ पे अभी बहुत सारे और कंसेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।